भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में पूछताछ के बाद हिरासत में लिए गए 4 ट्रेनी आईएएस और एक डमी अभ्यर्थी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्होंने रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड पर भेजे गए ट्रेनी एसआई पूछताछ के बाद किया था गिरफ्तार। 5 ट्रेनी एसआई लिए गए थे हिरासत में। बुधवार को एसओजी ने पूछताछ के लिए जिन 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया था, उनमें से 4 को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। 4 ट्रेनी एसआई के अलावा एक डमी अभ्यर्थी भी थी। सभी आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है। अब तक इस मामले में करीब 48 ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी हो चुकी है। रिमांड पर लिए गए सभी आरोपियों से एसओजी लंबी पूछताछ करेगी, ताकि ये साफ हो सके कि इस मामले में और कितने आरोपी शामिल हैं। आज एसओजी ने 4 मुजरिमों को जो एसआई ट्रेनी थे उनको गिरफ्तार करके पेश किया था, जिसमें न्यायालय ने 17 तारीख तक पेशी दे दी है। हमने इसमें ऑब्जेक्शन भी फाइल किया कि एसओजी मन मर्जी कर रही है, किसी की पूछताछ के आधार पर हर किसी को उठाई जा रही है, जबकि ऐसा कानूनन नहीं हो सकता। जब उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, केवल किसी के नाम ले देने से किसी व्यक्ति को उठाना या किसी ट्रेनिंग ऑफिसर को उठाना उसके खिलाफ जाता है। संतोष को भी रिमांड ऑर्डर भेजें? जी, संतोष को भी रिमांड ऑर्डर। संतोष का रिमांड 3 दिन का है, 12 तारीख का है। उसके अलावा जितने भी थे उनको 17 तारीख का रिमांड दिया गया। 4 का 17 तक है, बाकी 1 का 12 तक। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी अब कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जांच आगे बढ़ा रही है। अब तक कई बड़े चेहरे गिरफ्तार हो चुके हैं। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका और उसके बेटा बेटी भी एसओजी के हत्या चढ़ चुके हैं। इससे पहले रविवार को एसओजी ने आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे 2 ट्रेनी एसआई सगे भाई बहन दिनेश और प्रियंका को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ में पता चला कि पेपर लीक से जुड़े और भी ट्रेनी एसआई ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसके बाद एसओजी ने जांच शुरू की। इनमें से 4 ट्रेनी एसआई के नाम सामने आए। इससे पहले एसओजी ने डमी कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा देने वाली वर्षा विश्नोई को कोटा से गिरफ्तार किया था, जिसे कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। एक तरफ एसआई पेपर लीक में गिरफ्तारियां हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पेपर रद्द करने पर भी विचार कर रही है। जो हमारे पास आई है, तो आपने क्या माना है कि किस तरह की गड़बड़ी हुई होगी? क्योंकि आपने अलग अलग तरह के व्यूज आए हैं, उन सबका संकलन किया है। सारी बातें जो किसी ने बताई है वो सारी बातों अनेक लोगों ने कहा था गड़बड़ियाँ बहुत हुई, कुछ ने कहा था हम तो मेहनत करके बने, तो अपना अपना सब अपनी अपनी बातें कही। कितने फीसदी मानते हो गड़बड़ी हुई? नहीं, ये कितना फीसदी है ये निर्णय हमारे लिए संभव नहीं है। लॉ ने अपना दिया, पुलिस ने अपना दिया, एसओजी ने अपना दिया, एसओजी ने अपना दिया, अलग अलग दिए, अलग अलग दिए। सबकी बातें हमने सबका संकलन किया है और हम बैठ करके आपस में हमारी जो एक मत राय सर्वसम्मति की राय होगी वो हम सरकार को भेज देंगे, बाकी उसी स्थान पर उसी अथॉरिटी इसको रखनी नहीं रखनी इसका निर्णय लेंगे। अब इस बात की पूरी संभावना है कि इन ट्रेनी एसआई से पूछताछ में और भी कई चेहरे बेनकाब होंगे। हालांकि अभी भी पेपर लीक से जुड़ा मास्टरमाइंड सुरेश ढाका पकड़ से दूर है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं कोटा के आरकेपुरम थाना पुलिस ने मारपीट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों पर नगर निगम कोटा दक्षिण की मवेशी पकड़ने वाली टीम के साथ मारपीट करने के साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। आरोपियों की पहचान महेंद्र उर्फ देवा गुजर, गोविंद गुजर, महेंद्र गुंजन और हरिराम गुजर बोरावास दौलतगंज नया गांव देवनारायण योजना इलाके के निवासी हैं और थानाधिकारी के मुताबिक नेत्रा मीणा की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो मारपीट के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का यह पूरा मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और आज शारदीय नवरात्र का नवा दिन है और मां सिद्धिदात्री की आराधना हो रही है। नवमी पर माता के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। घरों और मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है।
तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। माँ सिद्धिदात्री की आराधना हो रही है, माँ के पास सभी भक्त पहुंच रहे हैं और अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। पूरे देश में खुशहाली की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि नवरात्र का आज आखिरी दिन है, नवे दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आज कन्या पूजन भी किया जाएगा तमाम मंदिरों में भी, घरों में भी, और कई जगह पर भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। संवाददाता हिमांशु कोटा से लाइव इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु, देखिए आज नवा दिन है और नवा दिन सिद्धिदात्री के लिए होता है और आज ही कन्या पूजन भी की जाती है, मंदिर में क्या खास तैयारी है, तस्वीरें दिखाइए। देखिए बिल्कुल, नवे दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि कोटा के नौ देवी के मंदिर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो नजारा है वो अपने आप में बहुत खास है क्योंकि कन्या पूजन का भी विधान है और फिलहाल देख सकते हैं आप कि बड़ी तादाद में ये छोटी छोटी कन्याएं देवी स्वरूपा कन्याएं मानकर के आज इनकी जो पूजन है वो किया जाता है, इसी का विधान है और इनको अलग अलग तरह के जो भोग हैं वो दिए जाते हैं, अलग अलग तरह से जो तमाम भक्त हैं वो इन्हें अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद देते हैं, चुनरी ओढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं देवी मान करके। और देख सकते हैं आप कि किस कितनी बड़ी तादाद में ये कन्या जो है वो यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल देख सकते हैं तस्वीर अपने आप में खास है, छोटी छोटी बच्चियां जो कि देख सकते हैं देवी स्वरूपा जिन्हें मान करके जिनका पूजन अर्चन किया जा रहा है। आंटी, देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है, नवमी के दिन कन्या पूजन का विधान है, क्या मान्यता है आज? ये मान्यता तो बहुत बढ़िया है, ये सब सुख समृद्धि शांति से सुख समृद्धि हो माता रानी जी। हाँ जी, यही हमारी इच्छा है। नवरात्रा के नौ दिन देवी की आराधना के नौ अलग अलग रूप की पूजा होती है, आज देवी सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। हाँ जी, आज के दिन कन्या भोजन होता है, कन्याओं की हम पूजा करते हैं, साल भर के लिए सुख शांति की उनसे अपनी प्रार्थना करते हैं, परिवार की और संसार की, इस संसार में सबका भला हो, सबका सुख, माता रानी सबको आशीर्वाद दे, सुख शांति रहे। देखिए देख सकते हैं आप कि देवी भगवती के खास स्वरूप के दर्शन हम करा रहे हैं, लगातार देवी को जो चुनरी है वो यहाँ पर उड़ाई जा रही है, देवी का श्रृंगार जो है वो यहाँ पर किया गया है और इन सबके साथ में आज दिन भर अलग अलग मंदिरों पर अलग अलग जो आयोजन है वो देखने को मिलेंगे, भंडारे का जो आयोजन है वो शहर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेगा और इसके साथ में दिन भर देवी भगवती के मंदिरों में भक्त श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। तो नवरात्रा के नौ दिन जब खत्म होते हैं तो नवे दिन अलग अलग मंदिरों में आयोजन होते हैं, यहाँ क्या क्या आयोजन आज होने वाले हैं? अभी आज पहले अभी खजाना वितरण हुआ अष्टमी के, क्योंकि 12 बजे से पहले अष्टमी है, 12 बजे बाद में नवमी शुरू हो जाएगी, तो अभी आज जो खजाना वितरण हुआ सभी लोगों को और खजाना वितरण बाद में कन्या पूजन होगा, जो हवन होगा वो नवमी में हवन होगा, नवमी में जी, और उसका प्रसादी वितरण होगा। आज नवमी 12 बजे इसके बाद में नवमी है और जो कल 12 बजे तक रहेगी। तो देखिए एक खास बात और आपको बता दें कि आज जो तिथि है उसके हिसाब से 12 बजे तक जो है वो अष्टमी का पूजन होगा और 12 बजे के बाद में नवमी का पूजन होगा, यानी देवी सिद्धिदात्री की पूजन शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही मंदिरों में हवन के साथ में नवरात्र का समापन हो जाएगा। जो अलग अलग मंदिर है उनके अंदर भंडारों का आयोजन किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया खास तौर पर अलग अलग जो आयोजन है वो होंगे और दिन भर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है देवी भगवती के जो मंदिर है उनके अंदर देखने को मिलने वाली है। तो आज देवी महागौरी के साथ में माँ सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है और दिन भर श्रद्धालु जो भक्त हैं वो देवी भगवती के अलग अलग रूपों का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये खास तस्वीरें फिलहाल कोटा से दिखा रहे हैं, देवी भगवती के नौ स्वरूप और नौ स्वरूप की अलग अलग जो पूजा है वो यहाँ पर की जा रही है और फिलहाल हम तमाम दर्शकों को माँ महागौरी के दर्शन करवा रहे हैं क्योंकि अभी 12 बजे तक अष्टमी यहाँ पर मानी गई है, उसके बाद में 12 बजे बाद में देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी क्योंकि माना जाता है 9 दिन तक जब हम पूजा करते हैं देवी के अलग अलग स्वरूप की, 9 दिन तक पूजा करने के बाद में देवी सिद्धिदात्री तमाम सुख के जो आशीर्वाद है वो देती है, तमाम मनोकामनाओं को पूरा करने वाली देवी सिद्धिदात्री मानी जाती है और इसी के साथ में देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो फिलहाल देवी भगवती के तो दर्शन हम करा ही रहे हैं और इन सबके साथ में ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कन्या पूजन यहाँ पर किया जा रहा है, बड़ी तादाद में जो कन्याएं हैं
वो यहाँ पर आई हुई है। लोग श्रद्धा अनुसार जो अपने खर्चे उन्हें भोग बना करके लेकर के आए हैं वो यहाँ पर इस वक्त अर्पित कर रहे हैं। तो और लोगों से भी बात करेंगे, आज के दिन किस तरह से कन्या पूजन कर रहे हैं, क्या बना कर के लिए? हलवा, छोले और पूरी, जो माता का भोग होता है पसंद है। तो किस तरह से आज पूजा कर रहे हैं? मतलब आज हम सुबह 5 बजे उठकर सुबह से हम तैयारी शुरू कर दी थी हमने, क्योंकि हमें पता है कि बच्चा सुबह जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है बच्चों के लिए भी। तो देखिए, देवी सिद्धिदात्री की जब पूजा की जाती है तो देवी माँ को हलवा, छोले और पूरी का भोग लगाया जाता है और वही भोग फिलहाल इन कन्याओं को यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो खास है, और फिलहाल नवरात्रि के समापन के साथ में कह सकते हैं कि तमाम जो देवी भगवती के मंदिर हैं उनमें अलग अलग आयोजन हो रहे हैं और इन सबके साथ में कन्या पूजन भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, हिमांशु में साफ देखने को मिल रहा है, भव्य तैयारियां की गई हैं और बच्चों में भी उत्साह है क्योंकि आज नवमी का पर्व में कन्या पूजन का अपना एक अलग महत्व है। बहुत धन्यवाद हिमांशु आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज नवमी